आप लोगों का स्वागत है गज के सी बाय क्लास में। आज हम इम्पोर्टेंट नोट्स लेकर आए हैं आपके लिए। जैसे पहला पहला देखिए, पहला है सेक्स क्रोमोसोम डिस्कवर किसने किया था, मैक क्लंग ने किया था। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स नाम दिया था कॉलिकर ने। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैसिलस बैक्टीरिया द्वारा होता है। लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा होता है, ये भी बैसिलस बैक्टीरिया है। ब्यूबोनिक प्लेग पेस्टोरेला पेस्टिस द्वारा होता है, ये बैसिलस बैक्टीरिया है। टिटनस जो लॉकजॉ जैसे कहते हैं, क्लॉस्ट्रिडियम टिटनाई द्वारा होता है। बैक्टीरियल इन्फ्लुएंजा हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजी द्वारा होता है। बूफिंग कफ जो है हेमोफिलियस बॉडीटेला पर्टिसिस द्वारा होता है। क्लोरेला क्लोरा कॉलेरा कॉलरा जो है बेवरियो कॉलरी द्वारा होता है, बेवरियो बैक्टीरिया जिसे कहते हैं। डिप्थीरिया कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया द्वारा होता है, जो बैसिलस बैक्टीरिया है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफोसा भी कह सकते हैं इसे, बैसिलस बैक्टीरिया है। न्यूमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी की द्वारा होता है, ये कॉकस बैक्टीरिया है। गोनोरिया नाइजीरिया गोनोरी द्वारा होता है, स्पायरो की बैक्टीरिया है। सेफलिस ट्रिपोनेमा पैलिडियम जी के स्पायरो कीट है। पेनिसिलियम क्राइसोजेनम और पेनिसिलियम नोटेटम द्वारा प्राप्त होता है, फंजाई है। स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस द्वारा मिलता है। क्लोरोमाइसिटीन या क्लोरोम्फिनिकॉल जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस बेनेजुअली या स्ट्रेप्टोमाइसिस लेवेंडोरी द्वारा हमें प्राप्त हो जाता है। टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक प्राप्त होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेसिन्स द्वारा प्राप्त होती है। टेट्रामाइसिन टेरामाइसिन जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस द्वारा प्राप्त होती है। इर्थोमाइसिन इथ्रोमाइसिन जो होती है दवाई स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस द्वारा प्राप्त होती है, या एस्ट्रेप्टोमाइसिन एरिथ्रियस द्वारा प्राप्त होती है। बियोमाइसिन जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन प्यूनिसियस द्वारा प्राप्त होती है। नोवोबायोसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस स्फीरोइड्स स्ट्रेप्टोमाइसिस नाइवेसवियस द्वारा प्राप्त होती है। निस्टेटिन स्ट्रेप्टोमाइसिस नॉर्सी द्वारा प्राप्त होती है। ग्रीसियोफिलाफल्विन पेनिसिलियम ग्रीसियोफिलाफल्विन द्वारा एक फंगस है, उसके द्वारा हमें प्राप्त होती है। पेटुलिन पेनिसिलियम पेटुलम द्वारा प्राप्त होती है, फंगस है। बैक्टीरियोसिन बैसिलस है लाइकेनी फॉर्मिस द्वारा प्राप्त होती है। नियोसमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी द्वारा हमें प्राप्त होती है। अब हम देख लेते हैं लैटिट्यूडिनल जोन। लैटिट्यूडिनल जोन में ट्रॉपिकल जोन जो होता है या टॉरिड जोन जो होता है वो बिटवीन द ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर 23 डिग्री नॉर्थ और ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री साउथ के बीच का होता है, और जोन है मैक्सिमम टेम्परेचर और इस जोन में बहुत अधिक टेम्परेचर होता है। टेम्परेट जोन जो होता है वो ट्रॉपिकल कैंसर और एओर्टिक सर्किल के बीच का होता है, तथा ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न तथा एंटार्कटिक सर्किल के बीच का होता है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ड्यूरिंग ऑफ सनशाइन आर द ग्रेटर इज समर देन द विंटर। ड्यूरेशन है ये ड्यूरेशन ड्यूरेशन है ये ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन आर ग्रेटर इन समर। समर में जो सनशाइन की दूरी ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा होती है विंटर की मुकाबले,
दिस रीजन इज़ आदर लेस हॉट देन ट्रॉपिकल रीजन। इस कारण क्या है कि यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल जोन में ये लेस हॉट होता है। पोलर पोलर जोन जो होते हैं, फ्रीज जोन जो होते हैं, इट एक्सटेंड अप टू द आर्कटिक सर्किल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अप टू द एंटार्कटिक सर्किल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। डायग्राम से समझ लीजिए, डायग्राम इसका ये रहा। इंसिडेंस ऑफ सनशाइन रेज, और ये दिखाया गया है टेम्परेचर जोन, डायग्राम शोइंग टेम्परेचर जोन। आर्कटिक सर्कल कौन सा है, ये आर्कटिक सर्कल है ऊपर का, पोलर जोन, ये एंटार्कटिक सर्कल है, ये पोलर जोन कहलाता है। इसके ऊपर जो टेम्परेट जोन कहलाता है, ये टेम्परेट जोन है, ये वाला टेम्परेट जोन कहलाता है। ऐसे ये नीचे की तरफ ये टेम्परेट जोन कहलाता है। ये लाइन है, इस लाइन को कहते हैं 23.5 डिग्री अक्षांश, ये कहलाती है ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। ये वाली लाइन जो कहलाती है ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाती है। ट्रॉपिकल जोन जो है, ये भी ट्रॉपिकल जोन है, ये भी ट्रॉपिकल जोन है, और यहाँ बीच में आती है इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, जब सनराइज आती हैं तब यहाँ पर ऑब्लिक आती हैं, तिरछी आती हैं, इसलिए यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, सनशाइन कम होता है। यहाँ पर वर्टिकल रेज आती हैं, यहाँ पर भी वर्टिकल रेज आती हैं ट्रॉपिकल जोन में, इसलिए हीट बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ ओब्लिक सन रेज आती हैं, इस कारण इस पर ओब्लिक सन रेज आती हैं, इस कारण यहाँ पर हीट कम होती है। ये साउथ पोल है और यह नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये सारा डायग्राम समझ में आ गया होगा। वार्म एयर होल्ड मोर मॉइस्चर्स, बहुत अधिक मॉइस्चर को होल्ड करती है। सम ऑफ दिस मॉइस्चर कंडेंसेस एस फॉग ड्यू रेन, हैवी रेन अकर्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ड्राई एयर क्रिएट्स द वर्ल्ड्स ग्रेटर डेजर्ट्स इन टेम्परेट रीजन। इन टेम्परेट रीजन स्विलिंग बेंड प्रोड्यूस वेराइड वेदर, मतलब वेदर में बहुत ज़्यादा भिन्नता देता है टेम्परेट जोन में ये। ठीक है, बायोम्स किसे कहते हैं, डेफिनेशन क्या है। बायोम्स आर द मेजर इक्वेटोरियल इकोसिस्टम ऑफ वर्ल्ड्स विच आर द ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट इकोलॉजिकल यूनिट। तो लार्जेस्ट इकोलॉजिकल यूनिट होती है, और बर्ड की पूरे संसार की बहुत बड़ी इकोसिस्टम, मेजर इकोसिस्टम होता है बायोम्स। बायोम्स दो प्रकार के होते हैं, टेरेस्ट्रियल बायोम्स और एक्वेटिक बायोम। टेरेस्ट्रियल बायोम्स में कौन कौन से आते हैं, लैटिट्यूडनल बायोम्स और एल्टीट्यूडनल बायोम्स आते हैं टेरेस्ट्रियल में। और लैटिट्यूडनल बायोम्स जो होते हैं वो टुंड्रा है, टागी है, टेगा, डेसीडियस फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, छपरल हैं, ट्रॉपिकल सवाना है, ग्रास लैंड हैं, और डेजर्ट, ये सब आते हैं लैटिट्यूडनल बायोम्स में। और टुंड्रा जो बायोम्स होता है उसमें, टुंड्रा जो होता है लाइज नॉर्थ ऑफ द टिम्बर लाइन, टिम्बर लाइन के नॉर्थ साइड से 60 डिग्री नॉर्थ से लैटिट्यूड से बिलो द पोलर लाइन, पोलर आइस। टुंड्रा ऑक्यूपाई सम 8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ लैंड मास। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द आर्कटिक टुंड्रा। टेम्परेचर इज कोल्ड, -30 डिग्री सेंटीग्रेड से -40 डिग्री सेंटीग्रेड, और हॉट होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द 45 से 75 दिनों तक। लाइफ कैसी होती है इसमें, एनिमल्स एंड वेजिटेशन इज वेरी स्कार्स, बहुत छिद्र छिद्र होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। और कंटेन वेरी स्पार्स रो ग्रोइंग वेजिटेशन, बहुत ही कम वेजिटेशन ग्रो करती है, डिवॉइड ऑफ एनी ट्री। फ्लोरा कम्स मॉस, कॉमन मॉस इन इज सारे स्फैगनम, स्फैगनम होती है बॉग मॉस जो होती है स्फैगनम, वो कॉमनली यहाँ पाई जाती है फ्लोरा में। यहाँ पर लाइकेंस जो होती है क्लैडोनिया पाया जाता है यहाँ पर, रेंडियर मॉस जिसे हम कहते हैं, ग्रास हेल्थ और सेजेस
ड्रॉफ बिलोज सेलेक्स स्पीसीज किसे कहते हैं, ड्रॉफ वर्चेस बैटूला स्पीसीज जिसे कहते हैं, फोना में का क्या होता है, द फ्लोरा हो गया, फोना में देख लीजिए एम्फीबियस रेप्टाइल्स आर टोटली एबसेंट नहीं पाए जाते हैं, बट द वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर कॉमन लाइक द बर्ड एमेमल्स पाए जाते हैं, इन बर्ड्स में कौन ओल आउल स्नो घास एंड द मैमल्स में पोलर बियर आर्कटिक हेयर आर्कटिक फॉक्स मस्क बॉक्स कैरिबो रेंडियर आर्कटिक वॉल्स और वी सेल्स पाई जाती हैं, इन विंटर विंटर में पोलर बियर्स गो इनटू द केव्स केव्स में चले जाते हैं, बरों में चले जाते हैं, रेंडियर एंड द कैरिबो गो टू लेस कोल्ड टेम्परेट एरिया में चले जाते हैं, टुंड्रा में टुंड्रा इज अ हाईली डेलिकेट एंड फ्रेजाइल बायोम्स इट टेक्स लॉन्ग पीरियड टू रिकवर फ्रॉम इवन द माइनर डिस्टर्बेंस होने के बाद ये अगर इसमें कुछ हो जाए माइनर डिस्टर्बेंस हो जाए तो इसे बहुत लंबा समय लगता है रिकवर करने के लिए। PPLO का जो साइज होता है वो 1000 एंगस्ट्रम होता है, 1000 एंगस्ट्रम होता है। सेल मेम्ब्रेन फर्स्ट विजुलाइज्ड बाय निगली एंड क्रैमर द्वारा, ई ओवरटन ने लिपिड बायोमियर बायलेयर दिया था, गॉर्टर और ग्रेंडल ने बायोमोलिकुलर लिपिड लेयर दिया था, रॉबर्टसन ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट्स हैज द ट्रिलामिनर अपीयरेंस ऑफ डार्क लाइट ट्रैक एंड रेलवे ट्रैक पैटर्न दिया था, चरक ने आयुर्वेद दिया था, हिप्पोक्रेट्स ने फादर ऑफ मेडिसिन दिया था, एरिस्टोटल ने फादर ऑफ जूलॉजी हिस्टोरिया एनिमेलियम दिया था, पेलिनी ने नॉर्थ नेचुरल हिस्ट्री दिए थे, गैलेन ने फादर ऑफ एक्सपीरियंस फिजियोलॉजी दिया था, एल्बर्टस ने मैग्नस और ऑन एनिमल्स दिया था, एंड्रियास वेसालियस ने फाउंडर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी जिसे कहा जाता है, ऑन द स्टेटस ऑफ ह्यूमन बॉडी। इस प्रकार आप और भी देखते जाइए, मेलपीगी ल्यूवेनहॉक वैटसन कैरोलस लीनियस क्यूबियर लेमार्क अर्नस्ट बॉनवियर मिलेन रिचर्ड ओवेन एटीपी साइकिल किसने दी थी, फादर ऑफ एटीपी साइकिल कौन कहते हैं, फिट्स लिपमैन 1941 में दी थी इन्होंने। स्ट्रक्चर वायरस कंटेनिंग न्यूक्लिक एसिड इज कार्डो न्यूक्लियोइड कवर्ड बाई प्रोटीनियस कैप्सिड, पॉलीहाइड्रल शेप पोलियोमाइसिटिस वायरस की होती है, बाइनल फाइटोफेजेस ये प्लांट वायरस कहलाते हैं, जूफेजिस एनिमल वायरस कहते हैं, फेजिस बैक्टीरियोफेजिस होते हैं, साइनोफेजिस लुगन एल्गी कहलाते हैं, मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया 55S होती है, हिपेरिन ग्लूकोसामीन तथा ग्लूकोरोनिक एसिड और H2SO4 होता है, एमाइलोप्टिन में रेड पर्पल कलर होता है, एमाइलोस में ब्लू कलर होता है, एसिटोकार्बीन में न्यूक्लियाई का पिंक कलर देता है, क्रिस्टल वायलेट बैक्टीरिया का वाइल कलर देता है, यूसिन साइटोप्लाज्म का पिंक और साइरोस का रेड कलर देता है, मिथाइलिन ब्लू न्यूक्लियाई का ब्लू कलर देता है, सेफ्रेनिन न्यूक्लियाई का रेड कलर देता है, फ्लोरोग्लूसिनॉल और SCN मिलकर लिग्निन में कलर देते हैं, सोलजेस सॉल्यूशन जो होते हैं क्लोरोजिंग आयोडीन ये स्टार्च सेलुलोज को कलर देते हैं,
इसके बाद एटमॉस्फेयर प्रेशर देख लीजिए, एटमॉस्फेयर से कैसे कैसे होता है, इसमें क्या सन अर्थ के बीच में इतने मिलियन ईयर्स होते हैं, माइकोलॉजी को फंजाई कहते हैं, फाइकोलॉजी को एल्गी कहते हैं, काइफोसिस कोबड़ा जो देखते जाइए आप। जॉन रे डेवलप द की फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स, द बुक हिस्टोरियम हिस्टोरिया एनिमल एनिमेलियम बाय रॉट बाई एस्टोटल। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हैकेल ने दिया, चार किंगडम क्लासिफिकेशन कॉपलैंड ने दिया, पांच किंगडम क्लासिफिकेशन विटाकर ने दिया, और दो किंगडम क्लासिफिकेशन लिनियस ने दिया था। प्रोटोजोअन आर द फर्स्ट स्टडीड बाय द ल्यूवेन हॉक, प्रोटोजोआ जो नाम दिया था गॉडफस ने दिया था। लिस्कार्ट यूज द टर्म सिलेंटेटा, टिनोफोर्स जो होती हैं वो फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय एस्कॉल्ट, और गेगेनबर्ग ने दिया था प्लेटी हेलमिन्थीस, गेगेनबर्ग ने टर्म दिया था निमेटो हेलमिन्थीस, लैमार्क ने एनिलेडा दिया था, जॉनस्टन ने मस का नाम दिया था। लैमार्क प्रपोज द थ्री क्लासेस क्रस्टेशिया है, हेक्सापोडा और अरेक्निडा नाम दिया था। वॉन सीवोल्ड ने आर्थ्रोपोडा नाम दिया था, जैकॉब क्लीन ने इकाइनोडर्मेटा नाम दिया था, टॉर्नोरिया ने लार्वा जो था वाज फर्स्ट ऑफ आल डिस्कवर्ड बाय द मुलर, और लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा जिसे हम टॉर्नोरिया लार्वा कहते हैं।